हर रात जैसी ही थी, लेकिन आज आ गई मुसीबत। हल्की हवाएं चल रही थीं और इस हवा की गंध मुझे कुछ अलग सी लग रही थी। सनी पैच में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मैं हूँ स्टिंकी, स्टिंकी पीआई। ओह, गुड मॉर्निंग। मेरा घर, सारी छाल उतर गई। बचाओ, कोई है? मेरे घर में छाल उतर गई है। ओ, ये काम भला कौन कर सकता है? उस सूखे झाड़ से बस यही एक सूखी बेरी गिर गई थी। मैं कुछ खाने के लिए ले लो स्क्वर्ट। थैंक्स मॉम। मैं चला। अरे रुको, मैं आया। चलो ना शिम्बा, वरना गेम में देर से पहुंचेंगे। मेरे कैसल के लिए ये तिनके सही है। बस वे। ये। हे, देखो। उस छाल चोर ने मेरे घर का छाल उतार लिया है। मुझे उसने घर से बेघर कर दिया। बहुत बुरा किया। क्या हो गया? किसी ने मिस्टर मेंटिस के घर का छाल खा लिया। घर खा गया? एक। ये काम किसका होगा? उसी का जिसे लकड़ी खाना पसंद है। तुम्हें भी तो लकड़ी खाना पसंद है ना शिमा? सच में? मैं कभी कभी लकड़ी पर कारीगरी करती हूँ, कभी तिनको पर घर पर नहीं। हाँ, तुम तो एक ज्वेल बीटल हो। ज्वेल बीटल्स तो छाल में ही पैदा होते हैं ना, और वो उसी को खाकर बाहर आते हैं। छाल तो हर वक्त खाता है, और मैंने छाल तब खाई थी जब मैं नन्ही सी थी। तो हो सकता है आज भी तुम्हें भूख लगी हो और तब तुम खुद को रोक नहीं पाई और मिस्टर मेंटिस के घर को ही खा गए। मैं ऐसा क्यों कर सकती थी? इसका मतलब तुमने जानबूझकर घर खा लिया? नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सुनो सुनो, अब तुम सब अपना मुंह बंद कर लो। मैं नहीं चाहता कि बिना सच को जाने हम किसी को मुजरिम कहें। इसने कुछ नहीं किया स्पाइडरस। हाँ, इसने बिल्कुल नहीं किया स्क्वर्ट। क्या तुमने शिमर के बारे में कुछ सुना है? वो पूरे घर की छाल खा गई। तुमने कुछ ना किया? शिमर ने पूरे घर की छाल ही खा ली है। अरे नहीं, देखो वो जा रही है। बेचारी ज्वेल बग भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उसकी बात मत सुनो। तुमने सुना वो क्या कह रहा था? रुको, मैं तुम्हें बता देती हूँ। थैंक्स मॉम। ये देखो, इसका तो मूड ही ऑफ है। आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ मॉम। कोई मिस्टर मेंटिस के घर की छाल खा गया और स्पाइडरस ने सबसे कह दिया कि मैंने खाई। लेकिन ये बात झूठ है, इसने नहीं खाया था। स्पाइडरस तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है? ओह हनी, और अब सब इसी झूठ को सच मानने लगे हैं। बाकी सब सोचते हैं कि तुमने किया है, लेकिन हम जानते हैं तुमने नहीं किया हनी। लेकिन और कोई नहीं मानता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। हमें साबित करना होगा कि ये झूठ है। कैसे? हम सब असली छाल मार को पकड़ेंगे। या, या, या। चलो ना शिमा। रुको। हाँ। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्लूज। अपनी नाक से सूंघते रहो और हर चीज को पलट कर देखो। सनी पैच में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे गन मिल रही है। ओप्स, सॉरी, मेरी गलती थी। हाय स्टिंकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
देखो डिटेक्टिव स्टिंकी, एक स्टिंक बग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपनी ड्यूटी पर है। शनी पैच में एक छाल मार घूम रहा है और मुझे उसका पता लगाना है। हाँ हाँ मैं भी। तुम्हें भी? ओ, फिर तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी, सही कहा ना? हाँ, लेकिन सब मानते हैं कि ये काम मेरा है। तुम? ये नहीं हो सकता। हाँ, और हम असली चोर को पकड़कर शिमर को बेगुनाह साबित करेंगे। ये काम करेगा स्टिंकी द स्टिंक बग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, मेरा मतलब पी आई। मुझे लगता है पी यू। यही है वो क्राइम सीन। सॉडस्ट। सिर्फ ऊपर की छाल गायब है। मैं तो फूल खाती हूँ, छाल नहीं। ये एक बड़ा क्लू है। मुझे भी फूल पसंद है शिमा, हर तरह के फूल, खासकर अच्छी खुशबू वाले। हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिक्र मत करो, हम इस राज का पता लगा ही लेंगे। चलो मेरे साथ। अच्छा, मेरे नन्हे जासूसों ने आज क्या पता लगाया? हाँ, पहला क्लू, शिमर फूल खाती है, छाल नहीं। शिमर ने मिस्टर मेंटिस का घर नहीं खाया। ये तो हम सभी जानते हैं। क्लू नंबर दो, सिर्फ ऊपर ऊपर की छाल गायब है। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मिस्टर मेंटिस का घर किसने खाया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब अपनी बहन को सच्ची साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक सब मुझे ही चोर मानेंगे। I'm sorry honey, जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। कल हम इस मामले को जरूर सुलझा लेंगे। नाइट नाइट स्वीटी। हमें पेड़ के दूसरी तरफ घर बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मिसेस ईयरविग। पर आप शिमर के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। चलो हम चलते हैं। शिमर, हम सब जानते हैं कि तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी हम तुमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सही कहा, कुछ मुश्किल सवाल पूछेंगे हम। अच्छा, वो सवाल कौन से हैं? जब मिस्टर मेंटिस और यूनिस यर्विक के घर को खाया गया था तब तुम कहाँ पर थी? हाँ, जब मिस्टर मेंटिस और यूनिस यर्विक के घर को खाया गया तब तुम कहाँ थी? मैं सो रही थी। तुम साबित कर सकती हो? तुम साबित कर सकती हो? हम सब यही सो रहे थे स्क्वर्ट। हनी, मैं तुम्हारे लिए ताजे छाल की कुकीज लाई हूँ। स्पाइडरस का रहता तुम्हें बहुत पसंद है। मॉम। थैंक्स बीट्रिस, लेकिन शिमा को छाल बिल्कुल पसंद नहीं है और इसने आज तक किसी के घर की छाल भी नहीं खाई है। फिर भी तुम रख लो, बाद में खा लेना। बेचारी लड़की, मैं जानता था कि इस केस को हल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ये किसी काम का नहीं स्क्वर्ट। चलो ना शिमर, हम यहाँ आ गए हैं, नए क्राइम सीन को भी देख ले। ओके। गंध तो अच्छी है, मुझे लगता है कि छाल मारी कल रात को हुई है। ये तो सब जानते हैं। Hey! देखो दोस्तों, बाउंस का टनल मिल गया। एक नया क्लू। हो सकता है अंदर कुछ और हो। कुछ दिखा क्या? हाँ, मोटे मोटे सफेद बॉल्स। अच्छा, जल्दी करो, छिप जाते हैं। वाओ, छिपने की जगह। अरे वाह। एव, स्टिंकी, तुम दूसरे बग से भी पूछ कर पता लगाओ कि क्या बात है। मैं अभी लगाता हूँ स्क्वाट। असली चोर पकड़े गए। अपने हाथ ऊपर करो और सफेद बॉल्स को नीचे फेंक दो। सफेद बॉल्स को फेंक दूं? लेकिन ये तो मेरे अंडे हैं।
अब देख लिया ना कि छाल इन बाग बीटल्स ने खाए थे, उसे खाकर उसके अंदर अपने अंडे दिए। हाँ ये सही है, लेकिन हम किसी का घर नहीं खाना चाहते थे, हमें माफ कर दो प्लीज। तो ये केस सॉल्व हो गया। अरे सुनो, ये केस सॉल्व हो गया, मैंने चोर को पकड़ लिया। हम सब जानते हैं ये काम बाग बीटल्स का था। किसका? बार्क बीटल्स का। थैंक्स, तुम सबने मेरा साथ दिया और स्पाइडरस को गलत साबित किया। मैं तो कभी भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ श्रीमान। केस सॉल्व, मैं तो कोई भी केस सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, हमारे पास हैं बाग सैंडविचेस, बाग स्ट्यू, बाग बर्गर्स और सादे बाग भी। थैंक्स अ लॉट। रुको, छाल की ये सारी डिशेस दे दो वरना शिमा फिर से छाल मारी करेगी। शिमा ने नहीं किया, छाल मारी हमने की थी, हमें अपना गुनाह कबूल है। और अब आप भी अपनी गलती मान लीजिए स्पाइडरस, आपने ही शिमा के बारे में अफवाह फैलाई थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया स्पाइडरस। ओह ठीक है ठीक है, आई एम वेरी 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 Terribly, sorry. वादा कीजिए अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्पाइडरस। मैं वादा करता हूँ। तो इस केस में असली मुजरिम तो था स्पाइडरस, और मैंने तो अपना काम कर दिया। आखिर मैं हूँ स्टिंकी, स्टिंकी पीआई। Bugs away! Bugs away! अब यहाँ काफी अंधेरा होने लगा है। सबसे पहले पहुंचे हो है? चलो फिर से खेलें, एक बार और खेल सकते हैं। ये देखो एक और डैंडेलायन सीड। थैंक यू। अब हमें घर जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। तुम जाओ हम आ जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। तो चलो फिर से पैराशूट से कूदे। मुझे किसी ने पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया है। ये तो सिर्फ एक वेब है विगल। विगल को क्या हो गया है? मुझे लगता है वो डर गया है। घर। बच गया। और फिर वो नन्ना सा इंचवर्म आगे बढ़ा, फिर कहा गुड नाइट, और फिर जल्द ही सारे बच्चे गहरी नींद में चैन से सो गए। ओ, 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 नाइट नाइट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब सो गए हैं ना? गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। क्या आप लाइट जलती छोड़ देंगे डैड? हाँ छोड़ दूंगा विगल। तुम अपने टाइनी टिक के साथ आराम से सो जाओ, ये ले लो। नहीं नहीं थैंक्स बाउंस। ओके नाइट नाइट। क्यों, क्या बात है विगल? मैं आपके पास सो जाऊं, वहाँ नींद नहीं आ रही है। क्या बात है बेटे, नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, बहुत डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। जानते हो जब मैं छोटी थी तो मैं भी रात को डर जाती थी। मैं भी डरता था विगल। आप भी? हाँ हाँ, तब तुम्हारी बेची नानी मुझे लिसनिंग वॉक पर ले जाती थी,
ये लिसनिंग वॉक क्या है? इसमें हम सैर भी करते हैं और आवाजें भी सुनते हैं, और तब हमें पता लग जाता है कि कौन सी आवाज किसकी है। तो फिर हम अभी सैर करने चलें? बाहर रात में? चलो ना, बड़ा मजा आएगा। और एक बार जब तुम आवाजें पहचानने लगोगे तब तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। आप कहाँ जा रही हैं? हश, मैं विगल को लिसनिंग वॉक पर ले जा रही हूँ। वाह, क्या मैं भी साथ चलूँ? ठीक है, लेकिन बिल्कुल चुप रहोगे तुम दोनों। डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटे। हाँ, पता नहीं तुम किस चीज से डर रहे हो विगल। मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो स्नेकी वुड में भटकने के बाद भी नहीं डरा, समझे विगल? मैं भी स्नेकी वुड गया था ड्रैगन, हम सब डर गए थे। हर्ष। मॉम, ये क्या है? इयरविग? अच्छा, तो मैं उनकी आवाज से डर रहा था। हाँ, इयरविग्स काफी शोर मचाते हैं। हाय एडी। हाय, कैसे हो? अरे क्या बात है, हमारे पड़ोसी सैर करने निकले हैं, क्या आप हमारे साथ मिडनाइट स्नैक खाएंगी? थैंक्स यूनिस, अभी नहीं, हम लिसनिंग वॉक पर जा रहे हैं। लिसनिंग वॉक पर? आज रात को मजा आएगा। इयरविग्स निशाचर होते हैं, मतलब कि वो रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। शायद इसी वजह से एडी स्कूल में सोता रहता है, वो भी तो निशाचर है। तुम क्री क्री की आवाज सुन रहे हो? डर लग रहा है। वहाँ देखो जरा, स्पिंडेला अपने वेब में झूल रही है, उसी से टहनियों से आवाज निकल रही है। क्या स्पिंडेला ने तुम्हें डरा दिया? मैं डराना नहीं चाहती थी तुम्हें। यहाँ आओ, स्पिंडेला के पास आओ ना। एक दिन स्पाइडर्स और मेरे ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये क्या है ड्रैगन? किसी डरे हुए को इस तरह से डराना अच्छी बात नहीं है। स्क्वर्ट ने सही कहा ड्रैगन। सॉरी विगल। अगर तुम सच में बड़े बहादुर वुडबग हो तो तुम विगल को उन आवाजों के बारे में बताओगे जिनसे ये डरता है। ठीक है। याद रखना, एक बार आवाज पहचान ली तो फिर उससे डर नहीं लगेगा। सुनो, ऐश ट्री से हवा टकरा रही है। जानने के बाद तो हर आवाज अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी तब तुम्हारी बेटी नानी मुझे ऐश ट्री पर झुलाकर सुलाती थी। ओह, आराम से विगल। अरे वो तो पेड़ पर बैठा हुआ एक उल्लू है। सुन रहे हो ना, मैं जानता हूँ कि क्या है। क्रिकेट्स की बस्ती में नाच गाना हो रहा है। चलो हम भी देखते हैं। आवाज तो म्यूजिक के जैसी है। म्यूजिक ही तो है। सही कहा था मॉम, रात को आने वाली आवाजों को जान ले तो डर नहीं लगता है। तो चलो हम और आगे चलकर कुछ और आवाजें सुनते हैं। गुदगुदी आ रही है। ये क्या है? मैं नहीं जानता। वो हमारा पीछा कर रहा है। क्या हमें खाना चाहता है? लगता तो नहीं है, मुझे तो वो रेंगने वाला कोई बग लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा, मैं उसका सामना करूंगा। बाउंस? हेलो। हेलो बाउंस, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? सुन रहा हूँ। चलो अब चलते हैं बच्चों। तुम मानोगे नहीं कि अब तक हमने क्या सुना है। हवा, इयरविक्स के खाने की आवाज और एक आउल। और बाउंस की भी आवाज सुनी। वाओ, रात
रात को तो आसमान में ढेर सारे बग्स होते हैं। तुमने उसे देखा या नहीं? लगता है फायरफ्लाइज का डांस शुरू होने वाला है। फायरफ्लाइज का डांस हम भी देखें क्या? डांस 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 क्या होता है? प्लीज मॉम। ठीक है। प्यारे बच्चों के घर जाने का समय हो गया है। चलो हम घर चलकर सो जाएं। अभी बिजली कड़की थी। हाँ चलो घर चलें वरना बारिश शुरू हो जाएगी। हे व्हीकल कहाँ चला गया? ये किसकी आवाज है? मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं तो नहीं डरा। फिर तुम काम क्यों रहे थे? बोलो ड्रैगन। हम सब डर गए थे वहाँ पर। बहुत खूब विगल। क्रिकेट्स। बारिश।